तब मेरे फादर को एहसास हुआ कि नहीं यार कुछ काम कर रहा है कि जिसकी कोई वैल्यू है समाज में कुछ तो है. एंड देन दैट कन्वर्सेशन स्टार्टेड अगेन. सो इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट जर्नी बट देन वो जर्नी मुझे करनी थी, वो डेस्टिनी थी, मुझे वो फाइट करना था, मुझे रेबल बनना था. लोगों ने कहा था, पूरे समाज ने हमारे कहा था कि ये तो बिल्कुल नागारा लड़का है, इस माँ बाप की मानी नहीं थी. आई वॉज अ रेबल. तो उस वक्त कोई था नहीं, मेरे पहले तो एमके रैना और बंसीकुल बेचारे दो गए थे और कोई था नहीं. तो बहुत मैं ये नहीं कहूँगा बहुत आसान था वो उनका. मैं आई एम नॉट ब्लेमिंग देम बिकॉज द फैक्ट इज उनकी लाइफ, उनका जो लाइफ का दायरा था वो अपने हिसाब से उन्होंने सोचा था. उनको लगा था कि लड़की को एज ऑफ में जॉब मिल गई है, अच्छा करियर है, मतलब पता नहीं सर मतलब क्या ऑफिसर होकर रिटायर हो जाएगा कि वाई इज ही प्लेइंग विद हिज लाइफ. आई थिंक आई एम नॉट फीलिंग बैड बट दे हैड देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू एंड आई रिस्पेक्टेड दैट. आई अंडरस्टूड दैट कि वो लोग वो क्यों परेशान है. इसलिए परेशान है कि वो मुझे दुखी नहीं देखना चाहते थे. लेकिन जब एक ऐसा मौका आया जब मैंने अपने पेरेंट्स को देखा कि वो दुखी नहीं है, दे फीलिंग प्राउड ऑफ मी. एंड मुझे एक इंसिडेंट याद है कि हम पृथ्वी में थिएटर एक प्ले कर रहे थे, गूंज एक प्ले किया था हमने जिसको मैंने डायरेक्ट भी किया था. तो उसमें इट्स अ स्टोरी अबाउट ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड डॉटर. तो मेरे पेरेंट्स यहाँ पे थे, वो जब भी रेन्स होती है ना, बारिश होती है, तो मैं उनको यहाँ पे बुलाता था. तो उनको हमने बुलाया. तो हम इलाजी और मैं इकट्ठे काम करते हैं, सुनने हमारा थिएटर ग्रुप है. तो इन्होंने मुझे सरप्राइज दिया, मुझे मालूम नहीं था. तो क्या हुआ कि जब प्ले ख़त्म हो गया तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए ये कहानी ग्रैंडफादर और हमारे पास यहाँ पे एक और ग्रैंडफादर है, हम उनको फेलिसिटेट करना चाहते थे. विच वॉज अ बिग सरप्राइज फॉर मी बिकॉज इलाजी और अंजू इलाजी हमारे जो ग्रुप के मेम्बर हैं, सीनियर मोस्ट मेम्बर्स हैं. तो उन्होंने आके उनको स्टेज पर बुलाया, उनको मालाएँ वालाएँ पहनाई. एंड I cannot explain. It was a very emotional moment for me, for my father, and he told me that day, "Beta, I'm proud of you." So the journey was not pleasant so far parents and I am concerned, but otherwise it was wonderful. I have enjoyed doing what I am doing, and जो कुछ भी आज हूँ अपनी मेहनत से हूँ. आपने ये बात भी बहुत कही कि पूछी थी मुझसे कि देखिए ऐसा माहौल तो होता है लेकिन एडवर्स सर्कमस्टेंसेस में आपको काम करना है, आपको मालूम है कि आपके उसमें मज़ा है. आज जब मैं जर्नी याद करता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है. और मैं मुझे लगता है कि यार इनफैक्ट मैं अपने फ्रेंड से कहता हूँ कि यार आई थिंक आई मस्ट राइट इट बिकॉज दिस समथिंग. एक हमारे छोटे छोटे हिंदुस्तान में इतना बड़ा मुल्क है और बहुत छोटे छोटे शहरों में लोगों की तमन्नाएं शौक हैं लेकिन वो कह नहीं पाते अपने पेरेंट्स को, वो बता नहीं पाते, वो अपनी एक्सप्रेस नहीं कर पाते कुछ. तो मुझे लगता है मुझे एक किताब की शक्ल में उसको लिखना चाहिए ताकि वो एक इंस्पिरेशन बने उन नौजवान लोगों के लिए कि नहीं अगर आप करना चाहते हैं लेकिन डेडिकेशन और पैशन के साथ काम करेंगे तो आप ज़रूर वो काम उस काम में कामयाब हो जाएंगे जो आप करना चाहते हैं.